नमस्कार बच्चों, आरती एजुकेशन की इस वीडियो में आज हम आकृतियों को उसके नाम से पहचानेंगे कि आकृति कैसी दिखाई देती है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और साथ में मैं आपको उस आकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा। बच्चों, ये जो आकृति दिख रही है इसे वृत्त कहते हैं। इसका एक केंद्र बिंदु होता है और चारों तरफ ये जो गोला दिख रहा है इसकी परिधि कहलाती है। इंग्लिश में इसे सर्किल कहते हैं, CIRCLE, सर्किल यानी वृत्त। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है और इसके जो अधिकतम हम कोण है वो 360 डिग्री का इसमें कोण बना सकते हैं और न्यूनतम 0 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसे अर्धवृत्त कहते हैं। ये वृत्त का आधा हिस्सा होता है इसीलिए अर्धवृत्त कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्किल, SEMICIRCLE, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त। बच्चों, ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसे अंडाकार आकृति कहते हैं। इंग्लिश में इसे इलिप्स कहते हैं, ELLIPSE, इलिप्स यानी अंडाकार। इसका दूसरा नाम है ओवल, इसे ओवल भी कहते हैं। इसकी आकृति अंडे के शेप की होती है। बच्चों, ये जो आकृति दिख रही है इसे वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर यानी वर्ग। इसमें चार कोने और चार भुजाएं होती है और सभी आपस में एक दूसरे से समान होते हैं। अंदर के सभी कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अगली आकृति आती है आयत, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल यानी आयत। इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, यानी कि चार भुजाएं और चार कोने होते हैं और ये आपस में आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती है और चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। बच्चों, ये जो आकृति दिख रही है इसे त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। इसके तीन कोण और तीन भुजाएं होती है और इसकी जो सभी भुजाएं आपस में बराबर है इसीलिए इसे समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसका अंदर का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का है। बच्चों, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर और तीसरी भुजा दो भुजाओं से थोड़ी भिन्न होती है। इसका जो दो कोण है वो बराबर होते हैं और एक कोण 90 डिग्री का है। इसे हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। ये जो आकृति है इसे पंचभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन यानी पंचभुज। इसमें पांच भुजाएं और पांच कोने होते हैं और सभी आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, ये आकृति षटभुज कहलाती है। जैसे पांच भुजाओं वाली आकृति को अपन पंचभुज कहते हैं वैसे इसमें छह भुजाएं हैं इसलिए षटभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन यानी षटभुज। इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बच्चों, ये आकृति जो दिखाई दे रही है इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ट्रैपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। क्योंकि इसके अंदर जो चार भुजाओं में से कोई भी एक जोड़ी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है इसीलिए इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।